वेलकम है आप सभी साथियों का एक बार फिर से हमारे आज के इस ब्लॉग में। और हमारे चैनल का नाम है गुरु शिष्य ब्लॉग। बिल्कुल आप अगर हमारे चैनल में हैं या इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो, इको फ्रेंडली वीडियो आपको देखने मिले। तो आप वीडियो में आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे यहाँ पर चल क्या रहा है। तो एक्चुअल में जो गार्डन हमने बनाया था उस गार्डन के साइड साइड में हम एक पत्थर का एक सेफ साइज़ बनाएंगे, यानी कि पत्थर लगाएंगे ताकि यहाँ पास एक सिक्योरिटी टाइप का बन जाए और एक गार्डन फिनिश दिखे। क्योंकि यहाँ साइड में जो कंक्रीटीकरण हुआ था, जो सीमेंट की जो सड़क बनी हुई थी, उससे दिक्कत ये होती है कि कोई साइड में गिर ना जाए, तो इसको लगाने से एक सिक्योरिटी भी बन जाता है। तो देख रहे होंगे यहाँ पास हमारे NSS के इको क्लब से जुड़े हुए बच्चे बिल्कुल इस पर मेहनत कर रहे हैं। इसको जो यहाँ पास कचड़ा वगैरह पड़ा था उसको साफ किए हैं, साफ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पास आप देख रहे होंगे कि मसाला तैयार हो रहा है, यानी कि सीमेंट है, गिट्टी है, रेत है, उसको तीनों को मिक्स करके एक मसाला तैयार किया जा रहा है। मसाला तैयार करने के बाद उसको जो हम यहाँ पास पत्थर लाए हैं, उन पत्थरों को एक लाइन से जमाएंगे। उस पत्थरों को लाइन से जमाने के बाद उसमें हम जो ये मसाला हमने तैयार किया हुआ है, सीमेंट जो तैयार किया हुआ है, उसको वहाँ पास डालेंगे ताकि वो सही से सेट हो जाए। क्योंकि अगर हम उसको ऐसे लगा के छोड़ देंगे तो मिट्टी का जब तक दबाव बना रहेगा, पकड़ बनी रहेगी, तब तक वो एक जगह में स्थिर रहेगा। अदरवाइज़ वो किसी के पैर से मारने से या कुछ अदर मूवमेंट होने से वो वहाँ से खिसक जाएगा। तो यहाँ पास सीमेंट का जो मिक्सर है जो हमने तैयार किया उसको डालना ज़रूरी है। इसको डालने से क्या होगा, जो पत्थर है वो बिल्कुल पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। फिर आप इस पर आप पैर से मारे, हथौड़े से मारे, हथौड़े से मारने पे टूट जाएगा, तो हथौड़ा बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। पैर से भी अगर कोई बच्चा मारता भी है बाई चांस, कभी लगता भी है, तो ये बिखरेगा नहीं, इस्टेब्लिश हो जाएगा एक जगह। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे किचन गार्डन के साइड में, जहां पास वही काम फिर से हम करेंगे कि यहाँ पास जो पत्थर एक्स्ट्रा पड़े हुए थे उन पत्थरों को लेंगे और साइड से एक शेप में, एक साइज़ में बिल्कुल उसको जमाएंगे। फिर जहाँ पास स्पेस है वहाँ पास गिट्टी डालेंगे। वीडियो में बिल्कुल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वहाँ पास गिट्टी डालेंगे। फिर हम तैयार करेंगे, क्या तैयार करेंगे, मसाला। फिर से वही मसाला तैयार करेंगे ताकि उसको बिल्कुल सेट कर दिया जाए, बिल्कुल वो हिले ना किसी भी तरीके से। तो यहाँ पास मसाला तैयार किया जा रहा है, सीमेंट, गिट्टी और रेत का मिक्स करके उसको वहाँ पास डालेंगे, लगाएंगे ताकि वो पूरी तरीके से सेट हो जाए। और उसके बाद हम पहुँच जाते हैं फिर से किचन गार्डन के रोड साइड, यानी कि जहाँ से हम आना जाना करते हैं, वहाँ पास हम फर्रस बिछाएंगे। फर्रस यानी कहने का मतलब है, नॉर्मल भाषा में फर्रस बोल दिया जाता है, जो पत्थर के आयताकार में जो पत्थर के बड़े बड़े साइज़ हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पास पत्थर हैं बड़े बड़े, उनको हम लगाएंगे। और फिर वहाँ पास भी हम वही काम करेंगे, जो सीमेंट है या मिक्सर है उन चीज़ों का, उसको बिल्कुल सेट करेंगे, फिनिश करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, ताकि दिखे हम वहाँ पर जब चले तो वो हिले ना, डुले ना, ख़राब ना दिखे, कहने का मतलब है सीधा सीधा। तो आप देख रहे होंगे पूरी चीज़ें, पूरी एक्टिविटी को वीडियो में। और बिल्कुल यार, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो बिल्कुल शेयर करें, लोग देखें, उनको भी आइडिया लगे कि स्कूल के जो बच्चे हैं अगर उनको सही से थोड़ा सा एक्टिविटी कराया जाए तो बिल्कुल वे हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ये सारे बच्चे हमारे NSS से जुड़े हुए हैं, हमारे किचन गार्डन इको क्लब, जिसको हमने नाम दिया है गुरु शिष्य इको क्लब, उसमें हेल्प करते रहते हैं हमेशा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज के लिए या कल के लिए, हमेशा इसमें वर्क करते रहते हैं, अपना योगदान देते रहते हैं। जो नए बच्चे आते हैं उनका भी योगदान मिलता रहता है, तो उन्हीं के माध्यम से पूरा किचन गार्डन तैयार किया हुआ है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियो डली हुई हैं इको फ्रेंडली, कुछ और एक्टिविटीज़ हैं, आप उनको देख सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ पास लगातार ऐसे काम हम एक्टिविटी करवाते रहते हैं बच्चों के साथ। कभी किचन गार्डन में कुछ सफाई का काम हो गया, कभी पौधे लगाने का काम हो गया। और जनरली आप देखेंगे यहाँ पर जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई ना, पूरा वेस्ट पड़ा हुआ था, किसी भी प्रकार से उसका यूज़ नहीं था, लेकिन हमने उसको एक आइडिया, एक ट्रिक लगाया और उसको यूज़ेबल बना दिया, और उससे हमने अपना काम निकाल लिया। यानी कि वेस्ट से भी हम अपने कामों को अच्छे से कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, कहने का मतलब है। जहाँ हमने यहाँ पास किया हुआ है, शुरू में आपको बताया कि यहाँ पास हमने सीमेंटीकरण किया है ना,
छोटे मोटे यानी टूटे हुए पत्थरों को एक साइज़ में जमाया, फिर सीमेंट वगैरह से उसको सेट किया, फिर यहाँ पर आगे सेट किया, फिर यहाँ पर फर्श वगैरह डालकर हमने उसको सेट किया। तो इस तरीके से आप अपने किचन गार्डन या जो भी आपका आने जाने का रास्ता हुआ उस पर हम मतलब वेस्ट चीज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।